जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानेंगे कि टर्नर सिंड्रोम के बारे में कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका खोज किसने किया था। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि टर्नर सिंड्रोम। अब इसका खोज जिसने किया उसका नाम था हेनरी टर्नर। क्या नाम था? हेनरी टर्नर नाम था। क्या नाम था? हेनरी टर्नर। उन्होंने खोज कब किया? तो 1938 ईस्वी में इसके विषय में इन्होंने क्या किया, पता लगाया। अब ये होता क्या है? तो ये क्रोमोजोम के वो होता है, जैसे पुरुष और महिला जो होते हैं उनमें क्रोमोजोमों की जो संख्या होती है उसी के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मेल है, मेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 की जोड़ी में होते हैं। और जो फीमेल यानी स्त्री होती है उसमें भी कितने होते हैं? 46 होते हैं, 23 के जोड़ी में होते हैं। अब देखिए जोड़ी जब तक दो को रहेगा तभी हम जोड़ी कहेंगे, अगर एक हो रहेगा तो हम जोड़ी नहीं कहते हैं, यानी दो को हम क्या कहते हैं, जोड़ी में कहते हैं। इसलिए 23 के जोड़ी में रहता है और 23 दिन हो जाता है 46। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, तो जो पुरुष का होता है एक्स और वाई और महिला का केवल एक्स होता है। क्या होता है? पुरुष का एक्स और वाई होता है और महिला का एक्स होता है। तो जो 46 होते हैं, तो जो 44 होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हाथ पैर नाक कान, और जो अंडूट होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। यानी इसमें जब पुरुष और महिला संबंध बनाते हैं तो इसमें का जो महिला होती है उसमें का एक जो गुणसूत्र होता है ये चोरी हो जाता है, यानी जिसमें इसमें का दुट है और जो इसमें का एक्स जाके अगर मिलेगा तो इसमें का एक एक्स क्या हो जाता, हट जाता है। यानी इस बीमारी में क्या होता है, एक एक्स नहीं रहता है, और जब नहीं रहेगा तो 46 के जगह एट कम हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, तो हो गया 2n-1 हो गया, पूरा होता है 46 लेकिन एट घट जाता है, तब कितना बचता है, 45 तो बचता है। कितना बचता है? क्रोमोसोम कितना बचता है, 45 तो बचता है। अब जब 45 तो बचता है तो क्या करता है, शरीर में बीमारी बढ़ा देता है। अब बीमारी क्या बढ़ाता है, अब देखिए 46 तो रहेगा तो एकदम बढ़िया पैदा होगा, बच्चा नॉर्मल सा पैदा होगा, और कम हो गया तो कुछ तो गड़बड़ी होगा ही। अब ये कम हो गया, अब यहाँ से देखिए जब आया ही यहाँ से हट गया तो ये कम हो गया, यानी हाई हट गया, एक कट हो गया बचा। और जब एक यक्ष मिला तो जो लड़की पैदा हुई तो क्या होगी, बीमार से ग्रसित रहेगी, यानी वो बीमार रहेगी। अब कौन कौन सा वो बीमारी उसके अंदर रहेगा, तो देखिए 5000 अगर लड़की जन्म लेगी, यानी 5000 अगर स्त्री जन्म लेती है तो उसमें से एक लड़की ऐसी होगी जो इस बीमारी से क्या हो जाएगी, ग्रसित रहेगी, यानी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित रहेगी, वो बीमार रहेगी। अब इस बीमारी में होता क्या है, तो देखने में तो लड़की ठीक रहेगी, जब वो पैदा होगी तो आप देखेंगे तो कहेंगे बहुत सुंदर लड़की, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो बढ़ने लगेगी, जब उसका किशोरावस्था आ जाएगा तो उसका कद छोटा रहेगा, बढ़ेगी नहीं ज़्यादा, उसका क्या होगा, कद छोटा रहेगा, चिपटी रहेगी। और इसमें उसका क्या होता है, सबसे दिक्कत वाला जो बीमारी रहता है उसे लोग क्या कहते हैं, बाजपन कहते हैं, यानी जो उसके अंडाशय होते हैं अगर 100% अगर अंडाशय होना चाहिए तो इससे जो लड़की ग्रसित रहेगी उसमें 85% क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, यानी जो उसके अंडाशय होते हैं उसमें 85% शुक्राणु बनते हैं, जिसके कारण क्या होती है, माँ नहीं बन पाती है, तो इसको लोग क्या कहते हैं, इसे बाज कहते हैं। और एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दिक्कत, अगर बहुत सारा उसको बीमारी हो सह लेगी, लेकिन अगर जिसके अंदर ये हो जाता है, यानी जो बाज कहलाती है, वो अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करती कि हमको क्या हो गया, हमको नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। ये किसके कारण होता है, यही जो टर्नर सिंड्रोम होता है, 46 के जगह पे बस जाता है कितना, 45 होता है, ये कौआ चोरा के लेके चला जाता है, यानी जब दोनों संबंध बनाते हैं ये गायब हो जाता है, तो बचता है एक्स के जगह पे केवल एक ही एक्स बचता है और वही क्या करता है, स्त्री को बाज बना देता है। सब कुछ तो सह लेगी, लेकिन कोई भी स्त्री को अगर कोई बाज कर देता है ना, बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, दुख होता है। और क्यों होता है, इसी टर्नर सिंड्रोम के कारण यही पूरा नहीं जा पाता है, जिसके कारण औरत क्या हो जाती है, लोग उसे बाज कहते हैं, उसका कद भी छोटा रहेगा, यानी छोटी सी रहेगी, देखने में तो एकदम ठीक रहेगी, जब बच्चा पैदा होगा हाथ क्या होगा, देखने में लगेगा कि ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका किशोरावस्था आएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसी बीमारी से ग्रसित रहेगी तो क्या होगा, उसके बाल बच्चे नहीं होते हैं, उसके अंडाशय में
भ्रूण जब जाता है तो कुछ कर ही नहीं पाता है, यानी 100% आजकल के जमाना में देखिए जिसके पास 100% है वो ये डक्टरी उडक्टरी दौड़ रहा है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, और जिसके अंदर उसका आधा भी गुण रहेगा उसको तो होइबे नहीं करेगा। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं उस स्त्री को बाज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाज भी कहा जाता है, यानी इसके पास कुछ नहीं है। इसके कारण होता है तो यही टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है, और इसका पता किसने लगाया तो हेनी टर्नर ने 1938 ईस्वी में पता लगाया कि जब दोनों लोग आपस में सेक्स करते हैं यानी जब संबंध बनाते हैं तो उसमें 46 के जगह 1/45 जाता है, जिस कारण ये रोग ग्रसित हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।